हेलो व्यूअर्स, आज हम लोग इस सेशन में जीएमएम यानी थ्योरेटिकल मैक्सिमम स्पेसिफिकेबिलिटी एच पर एएसटीएम D2041 के हिसाब से कैसे निकालते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या क्या इंस्ट्रूमेंट है वो उसके बारे में देख लेते हैं। ये बैलेंस है हमारा और ये वैक्यूम पंप है, ये वैक्यूम फ्लास्क है, ये हमारा पहले से तैयार हुआ सिंपल है जो लैब में हमने तैयार किया है। ये वाटर बाथ है, ये डिजिटल थर्मामीटर है, ये हमने डीबीएम का सैंपल पहले से जो हमने बना रखा था इसको हमने ले लिया है। ये इसको थोड़ा अलग अलग कर देते हैं, जो इसका फाइन पार्टिकल है वो 6 mm से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, वो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। फाइन पार्टिकल जो है अभी क्या करना है हमको, इसको हम डेयर कर लेते हैं। 2500 ग्राम सैंपल लेंगे, ये 2500 हो गया। इसको अभी हम लोग नोट कर लेंगे फॉर्मेट में। अभी हम फ्लास्क में पानी भर के इसका हम लोग वेट ले लेंगे। जो हम लोग पानी मिला रहे हैं उसका टेम्परेचर अप्रॉक्सीमेटली 25 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। इसको भी नोट कर लें, बीटा प्लस प्लस वाटर। सिंपल हम क्या करेंगे, एक ग्लास में डाल लेंगे और उतना पानी डालेंगे जिससे कि वो सैंपल कवर हो जाए और टेम्परेचर जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड हम लोग मेंटेन करेंगे। पानी डिस्टिल वाटर होना चाहिए, अगर आपको डिस्टिल वाटर नहीं मिल रहा है तो आप कोई भी पानी ले लीजिए, इससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। वहां भी लगभग ये कवर हो गया है।
अभी वैक्यूम प्रेशर हम लोग लगाएंगे 27.5 प्लस माइनस 2.5, यानी 30 mm ऑफ Hg हमने स्टॉक वॉच अभी चालू कर दिया है। पंद्रह मिनट जब टाइम कंप्लीट हो जाएगा तो प्रेशर को बेदमिल रिलीज कर देंगे। अभी देखिए 15 मिनट होने वाला है। हो गया, प्रेशर रिलीज कर देंगे। इसको निकाल के फिर इसका कार्क निकाल के इसमें स्लोली धीरे धीरे इसमें वाटर भरेंगे। और वाटर भरते समय ये ध्यान रखना है कि कोई उसमें एयर ना इंट्रोड्यूस हो जाए। आपको पानी ऐसे भरना थोड़ा उसको स्लाइड करके धीरे धीरे जिससे जाए। पानी वहां तक भरना है जिससे कि वो निकलने न लगे उससे। भर गया, आउटलेट तक उसको पानी भर देना है। अभी इसको क्या करना है, वाटर बाथ में इसको रख देना है और 10 प्लस माइनस 1 मिनट तक रखना है। और इसका जो टेम्परेचर मेंटेन करेंगे 25 डिग्री प्लस माइनस 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो देख यानी 24 से 26 के बीच में होना चाहिए। 10 प्लस माइनस 1 यानी 9 से 11 मिनट तक, हम 10 ही रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। टेम्परेचर मेंटेन करना जरूरी है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए 10 मिनट हो गया है। अब इसको हम लोग निकाल लेंगे। इसमें जो मॉइस्चर लग गया होगा उसको साफ करके फिर इसका हम लोग वेट ले लेंगे। वेट आया है 10314। अब इसको हम नोट कर लेंगे। अभी हमको वेट ऑफ रिप्लेस वाटर निकालना है। तो वेट ऑफ रिप्लेस वाटर क्या हो जाएगा, वेट ऑफ सैंपल 2500 प्लस वेट ऑफ ग्लास प्लस वाटर 8746 माइनस वेट ऑफ सैंपल प्लस प्लस पर वाटर, तो आपको 932 आपको आ जाएगा रिलेशन। अभी आपको मैक्सिमम स्पेसिफिकेशन निकालनी है तो वेट ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय रिप्लेस वाटर 2500 डिवाइडेड बाय 932 इज इक्वल टू 2.682 आया। तो आशा करता हूं आपको ये मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है इसको लाइक जरूर करिएगा।
थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।